नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल वाईफाई गूगल ज्ञान में। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन कैंडिडेट के लिए जिनका AIITI का एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहां पर DGT की तरफ से एक बिग अपडेट आई है। दोस्तों वो बिग अपडेट क्या है इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को एंड तक देखें, और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर आते रहता है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि वो भी अपडेट क्या है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये मैसेज DGT की तरफ से फॉरवर्ड किया गया है। जो भी हमारे AAAs होते हैं या फिर प्रिंसिपल्स होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैसेज में लिखा हुआ है, फॉर अप्रेंटिसिप एग्जामिनेशन आधार वेरिफिकेशन चेक हैज़ बीन रिमूव फॉर AIITI रजिस्ट्रेशन एंड सेम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन प्रोडक्शन, काइंडली वेरीफाई द सेम एट योर एंड। यानी कि दोस्तों यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जब भी आप अपने AIITI एग्जामिनेशन फॉर्म को अप्लाई कर रहे थे, तो वहाँ पर दोस्तों आपसे आधार वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कराया गया था DGT पोर्टल की तरफ से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कई लोगों को कई तरीके की समस्या आई आधार वेरिफिकेशन से लेकर, उनका दोस्तों बिना आधार वेरिफिकेशन के उनका AIITI का एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई अभी तक नहीं हो पाया था। तो यहाँ पर जो आधार वेरिफिकेशन प्रॉब्लम की वजह से अपने AIITI एग्जामिनेशन फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो दोस्तों वो जल्द से जल्द AIITI एग्जामिनेशन फॉर्म को अप्लाई कर दें, क्योंकि दोस्तों अब आपसे आधार वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड या फिर मैंडेटरी फील्ड नहीं मांगा जाएगा। यानी कि दोस्तों आप बिना आधार वेरिफिकेशन के भी आप अपने AIITI एग्जामिनेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी से बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक अपने AIITI एग्जामिनेशन फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, तो दोस्तों आप अपने इसी 19 नवंबर के पहले ही अपना एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई कर लें, नहीं तो दोस्तों आप अपने AIITI एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों आपके पास इसी 2 दिन का टाइम है, आप इसी 2 दिन के अंदर अपने AIITI एग्जामिनेशन फॉर्म को अप्लाई कर लें। आई होप दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन के बारे में आप समझे होंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।